गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारे मित्र श्री के यादव, आप देख रहे हैं ला गुरु। आप सभी जानते हैं कि प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी कोर्ट के लिए, और बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज के क्लास में हमारा होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग, कि क्या क्या ड्राफ्टिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं और कन्विंसिंग के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो आज का हमारा बेसिकली जो नॉलेज डिपेंड्स है वह होगा आपका ड्राफ्टिंग के प्रिंसिपल्स पर, कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का क्लास। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास। एज डिस्कस्ड एबो, एबो मीन्स पिछले क्लास में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो अभी तक। ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इज ए स्किल्स जॉब, मतलब ड्राफ्टिंग एक प्रकार से लीगल जॉब रहा है, स्किल जॉब रहा है। ड्राफ्टमेंट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस मस्ट असर्ट द नेम, डिस्क्रिप्शंस एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब पूरी तरीके से जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनका पार्टीज, दोनों पार्टीज का नाम, डिस्क्रिप्शन और उनके एड्रेस के साथ क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं कि क्या क्या उनके दफ़ा हैं या क्या क्या उनकी परेशानियाँ हैं। एंड ही मस्ट ऑब्टेन पार्टिकुलर्स अबाउट ऑल नेसेसरी मैटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, और जितने प्रकार के हमारे पार्ट्स होते हैं उन सभी को हमने उसमें आवश्यकता अनुसार डालते हैं कि ये चीज़ घटी थी, ऐसे हुआ था, ये काम हुए थे। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी को पीट दिया ढेर सारा, उसका सर फूट गया, तो उसमें सर फूटने के बाद क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो ए ने बी का सर फोड़ा, ठीक है। अब ए जब बी का सर फोड़ा तो ए सीधा कहाँ जाएगा, वकील के पास जाएगा और मस्त फर्स्ट क्लास ए ग्रेड का उसके ऊपर चार्जशीट लगवा देगा कि भाई इसने मुझे मारा, मेरा सर फूटा और मेरे सर फूटने के साथ खून बहा, ये हुआ वो हुआ, तो इसके ऊपर हाफ मर्डर केस लगा देगा। तो इंटेंशन बनाना, तो वही इसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को तैयार करना क्या कहलाता है, ड्राफ्टिंग। जो ड्राफ्टिंग है वो फाउलर्स फाइव रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, जो आपके फाउलर थे, ठीक है, जो फाउलर वैज्ञानिक हुए हैं, जो फाउलर आपके लॉयस्ट हुए हैं, उन्होंने पांच प्रकार के रूल बताए हैं ड्राफ्टिंग को लेकर के, कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से आपका बनाया जाएगा या क्या क्या उसमें मैटर्स अटैच होंगे। तो अकॉर्डिंग टू फाउलर, फाउलर के अनुसार एनी वन, कोई भी व्यक्ति हु विश टू बिकम्स अ गुड राइटर शुड इंटरवेयर बिफोर ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी द टेम्पेड बाई द मोर सॉलिक क्वालिटीज टू बी डायरेक्ट सिंपल ब्रीफ एंड वेरियस एंड ल्यूसिड, मतलब किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि अच्छा राइटर है तो अपने किसी भी राइटिंग में, किसी भी ड्राफ्टिंग में वह इन पांच चीज़ों को तो रखेगा ही रखेगा, चाहे जहाँ से, ये मानना है हमारे प्यारे मित्र फाउलर का, मतलब मित्र तो नहीं है लेकिन हमारे प्यारे लीगल एडवाइसर का, जिनका नाम है फाउलर। तो प्रिंसिपल रिफर्स टू द एबो मे बी ट्रांसलेटेड इन टू जनरल इन द डोमिनेंस ऑफ द वेकबुलरी एज फॉलोइंग। तो उनके कुछ प्रिंसिपल्स रिफर्डमेंट हैं, रिफर्ड्स हैं जो हम यहाँ नीचे देखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रिफर्स मतलब बताए, मान्यता देते हैं टू द फेमिलियर वर्ड्स, कुछ संबंधी चीज़ों का, कुछ शब्दों का, मतलब कुछ ऐसे परिचित शब्दों को बारे में बताएंगे। टू द फार फेच्ड, जो उससे संबंधित हो या दूर के हों, जैसे फेमिलियर वर्ड आज आर रेडली अंडरस्टूड, जिससे आसानी से पढ़ करके हम समझ सकें। मतलब यहाँ पर पहला ऑप्शन इन्होंने दिया कि जब भी वो ड्राफ्टिंग लिखेगा तो कुछ ऐसे वर्ड लिखेगा जिससे वो आसानी से समझ सके। ऐसा वर्ड पता लगा आपने लिख दिया कि ड्राफ्ट करते समय आपको समझ में आया, लेकिन फिर उसका जब आप बहस करने बैठे तो आपको क्या, जज को भी नहीं समझ में आया कि क्या लिखा है बेचारे ने। तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी नंबर में क्या रेफर किया गया, प्रिफर्स बताया गया टू द कॉन्क्रीट वर्ड्स एट द अब्स्ट्रैक्ट, मतलब किसी भी वर्ड को क्लियर और प्रेसिस लिखा जाए, मतलब कोई भी वर्ड हो आपका कॉन्क्रीट हो और वो क्लियर हो ना। जैसे कि आप वर्ड लिख रहे हो तो वर्ड आपको भी क्लियर होना चाहिए और सामने वाले को भी क्लियर करना पड़ता है ड्राफ्टिंग में। तो सी, प्रिफर्स द सिंगल वर्ड टू द
सर्कमलेशंस मतलब किसी भी सिंगल वर्ड का मीनिंग एवाइडिंग्स एडवर्ब एंड द एडजेक्टिव वर्ड्स के थ्रू करना चाहिए। मतलब जैसे सिंगल वर्ड आ गया तो डायरेक्टली उसका मीन्स एवॉइड कर देना चाहिए, मतलब यह ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसके क्या क्या एडवर्ब लगेगा, क्या क्या एडजेक्टिव रहेगा, क्योंकि वहाँ वो एडजेक्टिव और वर्ब का कोई मेजर ही नहीं होता किसी भी ड्राफ्टिंग में। एंड प्रिफेयर द शॉर्ट वर्ड्स टू लॉन्ग, और ज़्यादा करके उसे शॉर्ट वर्ड्स लिखने चाहिए ना कि लॉन्ग। शॉर्ट वर्ड जो लिखना होता है ना बेटा, वो बहुत ही अच्छा ग्रैप्स बना जाता है, मतलब बहुत ही अच्छी प्रिफेयर करती है किसी भी अनदर चीज़ को। जैसे मतलब हम ये बड़े बड़े एकदम मतलब चार चार लाइन की एक एक सेंटेंस लिख दिए, तो चार लाइन की एक सेंटेंस लिखने का मतलब एक उसका जो एक्सरसाइज किया जाएगा, जो कन्वेंस किया जाएगा, वो भी तो भाई देना पड़ेगा। तो उस कन्वेंशन में क्या होगा, आपको परेशानी होगी। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप हर एक चीज़ को छोटा छोटा लिखें। डी नंबर प्रिफेयर टू शॉर्ट एंड लॉन्ग। ई प्रिफेयर द सेक्शन वर्ड्स टू द रोमन, मतलब अक्सर करके आप एप्लीकेशन में सेक्शन वर्ड रोमन में इस्तेमाल करिए, जैसे कि यूज रोमन वर्ड्स मे क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशंस टू द कन्वेंस प्रॉपर सेंस टू द ऑर्डिनरी पर्सन टू अंडरस्टैंड। मतलब आप यदि नंबर डाल रहे हो तो कई जगह एक एक दो दो तीन करके कई बार नंबर आ जाते हैं, तो आप एक एक दो नंबर को जैसे मान लीजिए हमने पहला डाला, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने पहला नंबर डाला, फिर उसके बाद पहले में कुछ लिखा, फिर यहाँ भी हमने कुछ लिखने के बाद फिर यहाँ पहले का पहला डाल दिया, फिर यहाँ हमने कुछ लिखा, फिर दूसरा डाल दिया, फिर यहाँ दूसरा नंबर डाल दिया, तो इससे क्लियरेंस नहीं बन पाता कि हमारा स्टार्टिंग कौन सा दूसरा है और स्टार्टिंग कौन सा पहला दूसरा है। तो इसलिए सबसे पहले रोमन अंक का प्रयोग करो और उसके नीचे 1-2 रखो, ताकि ये क्लियर रहे कि हाँ ये रोमन नंबर वाला हमारा मेजर है और इसके नीचे इसके रिलेटिव्स हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्केच और स्कीम्स ऑफ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स, कि किस तरीके से स्केच हमें बनाने चाहिए और किस तरीके से ड्राफ्ट करनी चाहिए। तो इट ऑलवेज एडवाइसेबल टू स्केच आउटलाइन द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बिफोर टेकिंग अप इट ड्राफ्टिंग, मतलब किसी भी ड्राफ्टिंग को बनाने से पहले उसकी एक आउटलाइन बनानी चाहिए। आउटलाइन बनने से देखिए बेटा फ़ायदा ये होता है ना कि आप कोई भी चीज़ अगर लिख रहे हो तो आपको पहले से पता रहेगा कि मुझे लिखना क्या है या किस टॉपिक पर लिखना है। तो इसलिए आउटलाइन बनाना बहुत ही ज़रूरी है, यह मानना है मिस्टर डेविडसन का। किसका? डेविडसन। जिन्होंने कॉन्वेंसिंग के ऊपर एक किताब लिखा है, कॉन्वेंसिंग 4th edition, और वे जहाँ पर इन्होंने लीडर डेड लर्नर्स के बारे में बताया है कि क्या है। तो इनके अकॉर्डिंग द फर्स्ट रूल्स ऑन विच अ ड्राफ्ट मैन, जब भी कोई ड्राफ्टिंग मैन ड्राफ्ट करता है तो मस्ट एक्ट, उसे कार्य करना चाहिए, दिस दैट बिफोर सी ड्राफ्ट इज कमेंडेड कॉमस्ट, उसे अपनी बात को लिखने से पहले एक ड्राफ्ट बना लेनी चाहिए, द होल डिजाइंस ऑफ इट्स शुड बी कॉन्वेंस, ताकि वो उन चीज़ों में अपनी सभी बातों को रख सके, फॉर इफ ही प्रोसीड्स विदाउट एनी सेटल्स डिजाइंस, और उसमें बस बिना किसी चीज़ के रुकावट के ही ड्राफ्ट विल बी कन्फ्यूज एंड इनहोरेंट, मतलब मिला जुला करके उसका कोई भी अगर ड्राफ्ट छूट रहा है या उसके कोई ऐसे वर्ड हैं जो इनहोरेंट हो रहे हैं या पजल टाइप बनता चला जा रहा है, तो उसे अच्छे से समझने के लिए उसे हमेशा आउट टू बी डन में लिफ्ट अंडर्स ऑफ आउट टू बी डन, वह क्या लिखने वाला है, क्या लिखना चाहता है, इसके बारे में उसे वहाँ क्लियर होना चाहिए। एंड ही इज बी पजल्ड एट एवरी स्टेप्स ऑफ हिज प्रोग्रेस, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो हर स्टेप पर वह क्या होगा, पजल्ड हो जाएगा, मतलब चकरा जाएगा, और उसे अच्छे से लिखना भी नहीं आ पाएगा, और वह किसी ड्राफ्ट को लिखने की कुछ दूसरा कुछ लिख बैठेगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द रूल्स कैन बी ओवरफेमाइज्ड, बट इट शुड बी ऑब्जर्व बाई एवरी ड्राफ्ट मैन, मतलब ऊपर की जो बातें हैं वो इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मतलब ऊपर की जो बातें हैं वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना भी सही था कि भाई कुछ तो को आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो हाँ तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए।
बात करते हैं थर्ड नंबर की, थर्ड प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल नंबर थर्ड में है आपके स्केल्टन्स ड्राफ्टिंग एंड इट्स सेल्फ अप्रेजल। जो स्केल्टन्स हैं वो मानते हैं कि किसी भी ड्राफ्टिंग को बनाते समय हमेशा उसके जनरल स्कीम पर ध्यान देना चाहिए, जनरल स्कीम्स, और ताकि उसे शुड नोट डाउन करना चाहिए ब्रीफली एट ऑल द मैटर्स और पॉइंट्स, मतलब उसके जितने भी मैटर्स हैं उसे नोट करना चाहिए और उसके सभी पॉइंट्स नोट करने चाहिए, ताकि आप इंटेंट्स हो सको किन्हीं भी कॉर्पोरेट्स को लेकर और उसे इंटेंट ड्राफ्ट बना सको, मतलब अपने सुविचारित और अच्छे अच्छे वर्ड्स उसमें रख सको, क्योंकि यदि आपको पता ही नहीं है कि हमें ड्राफ्ट किस चीज़ पर बनाना है तो आपका कभी ड्राफ्टिंग नहीं तैयार होगा। तो इन द अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, ही शुड फ्रेम व्हाट ही कॉल्स अ स्केल्टन ड्राफ्ट। उन्होंने जो भाषा विकसित की उसे क्या कहा गया, स्केल्टन ड्राफ्ट कहा गया। एंड विच शुड बी डिफिल्ड इन द एलोबरेटेड एज द प्रोसीड्स विथ हिज वर्क, और यह हमेशा उसके वर्क पर डिपेंड करता है कि उसे एलिबरेट करेगा कि आप प्रोसीड्स करते समय उस चीज़ को भरे वहाँ, उस चीज़ को लिखें। वंस एक बार द ड्राफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज रेडी, यदि कोई भी प्रकार का ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, द ड्राफ्ट मैंस शुड अप्रेस इट विथ रेफरेंस टू द अवेलेबल फैक्ट्स, तो उसे वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जितने भी अवेलेबल फैक्ट्स हैं उसे रखना होंगे। द लॉ एप्लीकेबल्स इन द केस, और यदि लॉ एप्लीकेबल होता है उस केस में, तो लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स, तो उसे सभी प्रकार के प्रेजेंटेशन फैक्ट्स रखने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं। यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज इंटेलिजेबल्स और टू लेमैन, जैसे कि साधारण वर्ड में कहें कि हमेशा उसे अपने सरल भाषा में, हमेशा लोगों की व्यक्तिगत भाषा में लिखना चाहिए। एवॉइडेंस ऑफ रिपीटेशंस, मतलब ज़्यादातर करके एवॉइड करने चाहिए उन सब चीज़ों को जो रिपीटेशंस है। एंड द कॉन्वेंसेबल्स मिस इंटरप्रिटेशंस, और मिस व्यवहार के लिए उसे थोड़ा तैयार रहना चाहिए ताकि वह किसी प्रकार का कोई अंदर चीज़ ना लिख सके, उसलिए उसे मिस इंटरप्रिटेशन से भी बचना चाहिए। एंड एलिमिनेशन ऑफ एम्बिग्विटी ऑफ फैक्ट्स, और उसे एम्बलिस करना चाहिए हर एक फैक्ट को जो वह चाहता है। एंड द एडरेंस टू द यूज ऑफ द फ्लावर्स रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग्स एज सो मैनी सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट इट कॉन्टेंट्स, मतलब इसमें आप सभी को वो सारी चीज़ें बताई गई जो उसमें एक लीगल लैंग्वेज में होनी चाहिए किसी भी ड्राफ्ट बनाते समय। अब जरा बात कर लेते हैं कि आपके स्पेशल अटेंशन टू गिवन टू द सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट का जो आप इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं तो वो सबसे आपका स्पेशल अटेंशन होता है किसी भी चीज़ को। आप जब बहस करने जाओगे तो बहस करने से पहले कोर्ट क्या देखता है, आपको पहले ड्राफ्ट ही देखेगा ना, तो ड्राफ्ट आपका कैसा होना चाहिए, एक ऐसी इस तरीके का होना चाहिए कि ताकि कोई देख करके समझ जाए कि ड्राफ्ट आपका क्या है और वह किस चीज़ से संबंधित है। तो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्स एक्स्ट्रा केयर्स बिफोर टेकिंग अप टू ड्राफ्ट, मतलब किसी भी चीज़ को लिखने से पहले आप उसकी एक ड्राफ्ट बना लो, अपने पास टेकिंग अप कर लो। एंड फॉर एग्जांपल, जैसे कि इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट कॉन्ट्रेक्चुअल्स ऑब्लिगेशंस आर नॉट कॉन्ट्रेरी द लॉ एंड द डॉक्यूमेंट इन द डॉक्यूमेंट्स वेयर द फैक्ट्स सो वारंट्स टू इंश्योर्स। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले ये चीज़ क्या, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हम ड्राफ्ट कब तैयार कर रहे हैं और उस ड्राफ्ट बनाने का रीजनेबल थिंग्स क्या है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं, मेजर इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हमें ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक्सपर्ट्स ओपिनियंस, ये हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स हैं वो क्या क्या ओपिनियन देते हैं ड्राफ्ट को लेकर। इफ़ द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यदि किसी चीज़ को पहली बार कोई ड्राफ्ट कर रहा है, टू बी यूज अगेन एंड अगेन विथ सुटेबल मॉडिफिकेशंस, और उसे दिन प्रतिदिन क्या करते हैं उसमें मॉडिफिकेशन करते चले जाते हैं, बदलाव करते चले जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच केस, इट शुड बी गॉट विटेड बाई द एक्सपर्ट्स टू द इंजोर्स
its suitability and legal fitness of the corporate's executives and the field necessary. तो उसे हमेशा उन चीज़ों को रिक्वायर्ड करनी चाहिए जो एक्सपर्ट्स मांगते हैं या जिस पर एक्सपर्ट सुटेबिलिटी समझते हैं उन लीगल फैसिलिटीज़ को लेते हुए, और वो बहुत ही नेसेसरी भी होता है. टू सम अप मतलब कुछ सब मिला करके, कुल मिला करके, द ड्राफ्ट शुड बीयर इन माइंड द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग. तो आपके जो मेजर आपके जो ड्राफ्टिंग के रूल्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं. दिस इज़ पहला है, एज फॉर एज पॉसिबल द डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को आप बनाते हैं तो वह आपका खुद का बनाया हुआ होना चाहिए. द ड्राफ्ट मैन शुड बींग बाई एस्टिफाइंग हिमसेल्फ दैट ही अप्रिशिएट्स वाट ही मीन्स टू से इन द डॉक्यूमेंट. और उसे इन सब चीज़ को ध्यान देकर रखना चाहिए कि हम इस चीज़ में क्या करने वाले हैं, या हम लोग जो ये बना रहे हैं उस ड्राफ्टिंग को सेटिस्फाइंग क्या है, उस वह क्यों अलाउ होगी. द वेल ड्राफ्टेड, जो अच्छे ड्राफ्टेड होते हैं, डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर, वह साफ सुथरे होते हैं, मतलब पूरी तरीके से एकदम क्लियर होते हैं. एंड एनी पर्सन हैज कंपटेंट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर्स, और उसे उस चीज़ का आसानी से ज्ञान होता है. द ड्राफ्ट मस्ट बी रेडली इंटेलिजिबल एंड अ लेमैन. जो ड्राफ्ट होता है वह हमेशा रेडली एंड इंटेलिजेंट होता है किसी भी व्यक्ति के थ्रू. एंड द डॉक्यूमेंट्स मे नॉट बी प्रिफेयर्स बिकॉज इट्स ए टू मच टू लिटल्स और द एम्बिगियस ऑफ कॉन्टेंट्स. मतलब उस डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रिफेयर नहीं कर सकता, सिर्फ उसमें वही कॉन्टेंट्स हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, एक से अधिक फैक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यह क्लियर करने में सर्कुमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वह ड्राफ्टमेंट क्या चाहता है और किस तरीके की कॉन्टेंटमेंट नहीं चाहता है. दिस शुड बी अवॉइडेड इन द ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. आपका अगला सिक्स नंबर, नथिंग इज़ टू बी ओमिटेड और एडमिटेड. मतलब वह यह बाध्य नहीं होता कि किसी चीज़ को वह माने या न माने. एंड रैंडम्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट इज द से नेगेटिव स्टेटमेंट्स शुड जनरली बी अवॉइड. और उसमें हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट से उसमें बचना चाहिए किसी ड्राफ्ट में. यूज ऑफ जुडिशियल लैंग्वेज शुड बी मेड. उसे हमेशा जुडिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए उस ड्राफ्ट में. मतलब कोई भी आप ड्राफ्ट बना रहे हो तो ड्राफ्ट में हमेशा लीगल लैंग्वेज ही सब समझ सकते हैं इन कोर्ट, क्योंकि आपका जानते हैं कि लैंग्वेज जो होती है वो अलग अलग होती है, तो इसलिए हमेशा उससे कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, जुडिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए. द टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स. जो अलग अलग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है वो अलग अलग भागों में होने चाहिए, अलग अलग पैराग्राफ होने चाहिए. कॉन्टेंट रिवेंट फैक्ट्स और अलग अलग फैक्ट्स होने चाहिए. इस पैराग्राफ शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेशनरी एंड शुड बी प्रॉपरली मार्क्ड बाई यूजिंग ऑफ नंबर्स. मतलब उसे अलग अलग प्रकार के नंबर से व्यक्त करनी चाहिए. जैसे हमने यही लिखा है ना, ये आपके जो एक्सपेक्टेशंस ओपिनियंस हैं इसमें कितने नंबर्स हैं ना, ये सभी नंबर अलग अलग मैटर को डिवाइड करते हैं. उसी तरीके से उसे अलग अलग मैटर को अलग अलग पैराग्राफ में लिखने चाहिए, ताकि वह इच पैराग्राफ्स शुड बी सेल्फ एक्सप्लोरेटरी एंड शुड प्रॉपरली मार्क्ड बाई यूज ऑफ नंबर्स. अलग अलग नंबर होने चाहिए ऑफ द लेटर्स एंड क्लाजेज सब क्लाजेज एंड पैराग्राफ्स. इस तरीके से मतलब उसके क्लाजेज कुछ के सब क्लाजेज सभी अलग अलग होने चाहिए. नाइन नंबर, शेड्यूल शुड बी प्रोवाइडेड इन द डॉक्यूमेंट्स. उसमें जितने भी शेड्यूल्स हैं सब उस डॉक्यूमेंट में होने चाहिए. शेड्यूल इज यूजफुल फॉर द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड शुड कॉन्टेंट्स द रिवेलेंट इन्फॉर्मेशन. मतलब शेड्यूल के थ्रू हम कोई भी इन्फॉर्मेशन आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, इसलिए उसमें शेड्यूल का भी कहीं कहीं वर्णन होना चाहिए. टेन की बात करें तो द एक्टिव वॉइस ऑफ द प्रिफरेबल्स टू द पैसिव वॉइस. मतलब यदि एक्टिव वॉइस है तो उसे प्रेफर करना चाहिए हमेशा पैसिव वॉइस के लिए. एंड अनलेस द पैसिव वॉइस इन द पर्टिकुलर कनेक्शन मेक द मीन्स मोर क्लियर. जो पैसिव वॉइस होते हैं वह अत्यधिक क्लियर माने जाते हैं. जैसा कि आप सर रोनाल्ड ब्राउस बुक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन 119 और 121 में आप देख सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंसिंग एंड प्लेडिंग ड्राफ्टिंग.
तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे मित्र। अगर आप